फिर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह से एक बार फिर हम आपसे रूबरू हैं, और सबसे कमाल की बात यह है कि साल में हमें ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जब हम आपसे अपनी बातें, अपनी खुशियाँ, अपने प्रोजेक्ट शेयर करते हैं। इसी क्रम में आज आप सबको यहाँ बुलाया है हम लोगों ने अपने एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने को जो बड़े हम सभी के बड़े दिलों के करीब है। और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें कविता नई है, देखा जाए बाकी सब लोग बहुत दिल से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स की, जो कि हर साल मुंबई में होते हैं और बड़ी धूमधाम से हम इसे करते हैं। हमारी इंडस्ट्री के सारे मित्र लोग इसमें आते हैं, और आज यहाँ पे इस प्रेस वार्ता में, आज इस लॉन्चिंग के मौके पे जो हमारे बीच आए हुए हैं हमारी इंडस्ट्री के रेनाउंड अभिनेता, जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी एक रवायत है, आदरणीय मुश्ताक खान जी, हमारे इस समय सिनेमा और टेलीविज़न के एक बहुत ही चर्चित चेहरे भाई पंकज बैरी जी, फिल्म अभिनेता जैद शेख साहब, इंटरनेशनल कॉस्मिक हीलर प्रदीप चांदी रमानी, और द 100 बक्स से अपने कैरियर का डेब्यू करने जा रही थिएटर की एक शानदार अदाकारा और उतनी एक शानदार शख्सियत कविता जी, और एक और शख्सियत जो हमारे बीच आने वाले हैं, वो सभी आपके दुलारे हैं, देखा है तो आपके बहुत प्यारे हैं, भाई योगेश लखानी जी, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से उन सभी लोगों का जो हमारे इस अवार्ड से जुड़े हैं, इस अवार्ड्स को पसंद करते हैं, इस अवार्ड का हिस्सा होते हैं, पिछले 3 साल से कंटिन्यू चले आ रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके प्यार और उनके प्रोत्साहन की बदौलत हम आज सीज़न 4 टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स की घोषणा कर रहे हैं। 14 फरवरी को सदैव की बात है मुंबई में इस्कॉन ऑडिटोरियम में इस अवार्ड का ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और सदैव की भांति ही देश विदेश से, मैं समझता हूँ लास्ट टाइम करीब 10 से 12 कंट्रीज़ के गौरवान्वित भारतीय हमारे अवार्ड फंक्शन में आए थे, तो इस बार भी ये संख्या बढ़नी चाहिए, और आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबका प्यार रहा तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत एक मजबूती के साथ हम अपने इस संकल्प को लेकर दुनिया के सामने होंगे। इस अवार्ड फंक्शन में हम देश और दुनिया के ऐसे भारतीयों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने काम से और अपने अपने जो उनका जो शौक है या उनकी जो एक एक USP है उससे भारतीयों को गौरवान्वित किया है। और इसमें हिंदुस्तान के अलावा जो बाहर जो मुल्कों में जो भारतीय रह रहे हैं, जैसे दुबई है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, US है, पनामा है, इवन पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, हांगकांग है, तो इन जगहों से लोग आते हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम हर साल और देशों में पहुँचें और वहाँ से हम भारतीयों को लाएं यहाँ पे। जैसे मेरा एक बड़ा सपना है, आपको शायद खबर भी होगी कि टॉप ईस्ट इंडिया कंपनी को जिन भारतीय ने खरीदा था, तो मेरा ये सपना है कि मैं उनको बुलाऊं और उन्हें हम लोग यहाँ बोल, आइए योगेश भाई, कंपनी जिस भारतीय ने खरीदी थी, लंदन के रहने वाले हैं वो, मेरा बड़ा सपना है कि मैं उन्हें यहाँ पे लाऊं, और मेरी कई केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा दुष्यंत भाई वो अगर आएंगे तो उन्हें बाकायदा स्टेट का एक एक जो प्रोटोकॉल रहता है स्टेट गेस्ट का वो दिलाया जाएगा, और मेरा बड़ा मन है कि हाथी में बैठा के हम उनको बुलाएं और पूरा बाजी गाजी से उनका स्वागत करें, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाए और एक ऐसी मिसाल कायम की जाए कि लोग उससे गौरवान्वित हों, एक गर्व का अनुभव हो कि जिस कंपनी ने हमको गुलाम बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस कंपनी को एक भारतीय ने खरीदा और उसको फिर भारतीयों ने यहाँ पर भारत में मुंबई शहर में और अवार्ड से नवाजा। चयन कैसे करें, क्या जूरी मेंबर कौन है? वी हैव अ जूरी मेंबर लाइक प्रदीप चांदी रमानी जी, अगर हम इस बार की जूरी की बात करें आदरणीय योगेश लखानी जी, पंकज बैरी जी, मुश्ताक भाई तो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट थे तो समय देते नहीं हैं और इसके अलावा डॉक्टर रितु सिंह, श्री संतोष भारती जो पत्रकारिता की दुनिया का एक स्वनाम धन्य बहुत बड़ा नाम है, ऐसे लोग हमारे जूरी मेंबर हैं। तो लोग सोशल मीडिया के थ्रू, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, या हमारे जो जितने जूरी मेंबर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं इस अवार्ड फंक्शन के लिए। ये सवाल हर साल आपसे होता है हमारा, और उसमें से हम लोग चयन करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमारा ये प्लान है कि हम लोग इसको 5वें संस्करण तक उस लेवल पर ले जाएँ कि बाकायदा एक गेटवे हो जिससे कि सभी लोग अप्लाई कर सकें। नहीं देखिए 50, मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरे मतलब जितने लोगों को अपना सम्मान दे सकूँ उतना दूँ, लेकिन 50 संख्या बहुत होती है और उससे ज़्यादा तो फिर बहुत प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। मैं
मुसलसल आप क्या कहेंगे सर इस अवार्ड के बारे में? सर मैं इस अवार्ड के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना ही कम होगा, मेरे ख्याल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, नहीं मेरी भी आवाज़ काफ़ी बड़ा। हाँ जी, तो जिस तरह के मैं सबसे पहले तो मैं ये इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जब भी ऐसा कोई फंक्शन होता है, कुछ भी ऐसा काम होता है, ये मुझे हमेशा याद करते हैं। बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही मेहनत करते हैं, और जिस तरह का ये काम कर रहे हैं वो, देखिए मैं एक बात को मानता हूँ, मेरे दोस्त अभी पंकज बैरी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैद साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कविता जी को बोला ये नहीं है, तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कविता हमेशा नहीं होनी चाहिए। रियली मतलब तभी तो है सुनने के लिए, पुरानी कविता नई नहीं आनी चाहिए। तो ये जो अवार्ड्स है, हम लोग कोई भी हो, चाहे मैं कलाकार हूँ या क्रिकेटर हूँ, कोई भी किसी भी अपने फील्ड में कोई भी काम करता है, उसको उसका मेहनताना तो मिलते ही है, लेकिन मेहनताना मिलने के बाद भी उसको एक ललक होती है, एक चाहत होती है किसी अवार्ड की। अवार्ड इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसको जो खुशी मिलती है अवार्ड जब उसको मिलता है कोई, उसको कि उसने जो काम किया है, कि उसने भाई उस मेरे ख्याल है उससे ज़्यादा खुशी उसको, पैसे जो मिलते हैं उससे भी ज़्यादा उसको खुशी मिलती है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है दुष्यंत जी का, और ये जिस तरह से लगे हुए हम, मैं एज एन एक्टर, मुझे भी जब इस तरह का मतलब अवार्ड मिलता है या कोई भी, मैं हूँ या कोई भी हो, सबको इस बात की खुशी होती है। और मैं यही दुआ करूँगा कि ये जिस चीज़ को लेके चलें उसमें कामयाबी मिले आगे। दुष्यंत भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनके साथ मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूँ, और दुष्यंत भाई के हर इवेंट का मैं एक हिस्सा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि इतने बड़े लोगों के बीच में आज मैं बैठा हूँ, और एक इतने बड़े अवार्ड का एक हिस्सा हूँ, और 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड ये नाम में ही एक दम है, और जितने लोग हैं बड़े बड़े, जितने को भी अवार्ड मिलता है उनके लिए जो एप्रिसिएशन होता है, उसके लिए जो मतलब मेरे लिए वर्ड्स नहीं है उनको बोलने के लिए, कि इनका जो काम, मेहनत, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, डेडिकेशन है जो वर्क के प्रति, और इंडिया में नहीं एब्रॉड में भी इन्होंने बड़े बड़े अवार्ड किए जिसमें मैंने गया हूँ, और मैंने इनका स्टाइल भी देखा है, और सबको वार्म वेलकमिंग, और जो अवार्डी को सम्मान देते हैं, जो मान इज्जत देते हैं, और जैसे श्रीलंका में गए तो वहाँ के प्रेसिडेंट को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को एवरीवेयर दुबई में अवार्ड किया है, तो बहुत खुशी है कि इतने बड़े अवार्ड के साथ में जुड़ा हूँ। थैंक यू। योगेश भाई के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि फलदार वृक्ष होता उतना ही झुकता है। हकीकत है कि योगेश भाई के बिना हम तो छोड़िए किसी भी अवार्ड की परिकल्पना नहीं कर सकते, और ये हमेशा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं सबके साथ खड़े होते हैं, और मैं तो कहता हूँ हम पूरी इंडस्ट्री की तरफ से योगेश भाई को मैं सभी धन्यवाद बोलते हैं, और आज मैं आप सबके सामने हम सभी लोग योगेश भाई को थैंक्स बोलते हैं। एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी है कि योगेश जी के इस यहाँ पर योगेश जी के कैंपस, मैंने बोला कि ये इस बार लॉन्चिंग से करेंगे हम लोग, ये आप ही का है, मेरा नहीं है, योगेश भाई का प्यार बहुत है कमाल की चीज़। और सबसे बड़ा अवार्ड तो ये देते हैं, हर कोने पे हर जगह आपको ब्राइट मिलेगा और सब लोगों को, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अभी तक 5000 टाइम्स अवार्ड या स्टेज पे फेलिसिटेशन या एप्रिसिएशन मेरा हो चुका है, तो मेरे लिए अवार्ड की एक मतलब अवार्ड रखने की जगह नहीं, इतने अवार्ड मेरे को भगवान ने दिए, इसलिए मैं भगवान का, मेरे क्लाइंट्स का, मेरे दोस्तों का, मेरे टीम का, सबका शुक्रिया करता हूं। ये आपका प्यार है। क्या बात है पंकज सर, आपके क्या पंकज सर? मेरा सबसे पहले तो मैं दुष्यंत भाई के विषय में बात करना चाहूँगा। दुष्यंत भाई से मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, काम भी करते हैं साथ में और दोस्ती भी है, और दुष्यंत भाई ने, मैं इसके बिना बोलूँगा, दुष्यंत भाई ने कई बार मुझे अवार्ड से नवाजा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि टॉप 50 आइकन अवार्ड मैं भी प्राप्त कर चुका हूँ, और अब मुझे दुष्यंत भाई ने इस जूरी का मेंबर बना दिया है, तो हर साल मतलब हम लोग बैठते हैं, मुझे डिटेल भेजते हैं ये 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 ये, तो उसको उसके बारे में विस्तार से थोड़ी सी इनके सहयोग से थोड़ी जाँच पड़ताल होती है, फिर उसमें से चुनाव इसे ब्यूटीफुल अवार्ड, बहुत खूबसूरत अवार्ड है, और जैसा कि मुश्ताक भाई ने कहा कि अवार्ड होता गया, अवार्ड बेसिकली किसी भी फील्ड के इंसान को मिले, और अच्छी बात यह है कि एक पर्टिकुलर एक फील्ड के इंसान को अवार्ड नहीं देते, हर फील्ड के लोगों को, उनके जो माहिर लोग हैं उन सबको बुला करके अवार्ड दिया जाता है, और अवार्ड जो है वो मेरा ये मानना है, अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अवार्ड जो है कि एक एनर्जी है, ऊर्जा है किसी भी कलाकार के लिए या किसी भी फील्ड से जो होता है उसके लिए, मतलब वो एक नई उसमें एनर्जी आती है कि मुझे और बढ़िया काम करना है। मैं तो ये मैंने जैसे योगेश जी ने कहा कि बहुत बार मैं योगेश जी को कई अवार्ड में मिल चुका हूँ, मेरा भी सौभाग्य है मुझे भी कुछ अच्छे अच्छे अवार्ड मिले, तो मैं जब भी मुझे अवार्ड मिलता मुझे लगता है यार ये तो अब तो मैं और मेहनत करूँगा यार, ये अगला अवार्ड ये मतलब और मुझे मतलब ये जो जागरूकता जो आती है ना अवार्ड मिलने के बाद, तो ये
मेरी शुभकामनाएं हमेशा दुष्यंत जी के साथ रहती हैं, और बाकी दुष्यंत जी की फिल्म आ रही है, और ये बड़े चोरी चोरी चुपके चुपके बहुत बहुत बेहतरीन काम करते चले जा रहे हैं। हाँ, ये मैं चोरी चोरी चुपके चुपके बोल रहा हूँ, ये वो कहते हैं वो हमारे मुंबई भाषा सुमड़ी में बड़ा बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं। भविष्य में देखिए अगले एक डेढ़ साल में बहुत बढ़िया काम आने वाला सामने, और मेरी शुभकामनाएं हैं दुष्यंत जी के लिए हमेशा। नहीं, थैंक यू पंकज भाई। पंकज भाई एक बहुत बड़ा नाम है, हम जब मुंबई में आए थे हमें भी याद है स्ट्रगल करने लोहे की अटैची लेके, तो पंकज भाई से मिलना बड़ा सपना रहा करता था हम लोगों का। अधिकारी ब्रदर्स के यहाँ मेरी पहली बार दीक्ष ब्रदर्स के यहाँ मुलाकात हुई थी। एक और हमारी मित्र स्वीटी वालिया जी, छोटे टेलीविज़न की एक बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद है, आई प्लीज़ कम। अरे रवि एक चेयर और भेजना प्लीज़। जैद आप इधर इस साइड नहीं है, मोदी भी मर रहा है। बहू हमारी रजनीकांत की बबल बुआ बहुत फेमस है अब तो, ये मतलब कोई बुआ इन्हें बोलता ही नहीं है अब तो, इतनी मतलब इतनी स्लिम थी, मैं तो पहचान ही नहीं पाया था। ऐसे मत दुष्यंत जी के अवार्ड के लिए और दुष्यंत जी के लिए तो जितना बोले उतना कम है, सब जगह सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, एंड इनके अवार्ड्स आर वेरी जेन्युइन। और जितनी बार भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ, अभी मेरा बहुत ही आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वाज इनवाइटेड टू श्रीलंका, एंड वहाँ पे अब तक प्राइम मिनिस्टर उनसे हमें अवार्ड मिला, एंड इट वॉज द बिगेस्ट यू नो प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड मैंने यही देखा दुष्यंत जी के वहाँ जितने भी लोग थे बहुत साधारण तरीके से करते हैं, हम लोग बॉम्बे में बहुत पॉम्पेन शो करते हैं, ये वो आचा पाचा रेड कार्पेट, इनका सब कुछ इतना सिंपल होता है, और फिर भी इतने अच्छे लोग जुड़ते हैं इनके अवार्ड्स के साथ, सब मतलब बड़े बड़े फील्ड से आते हैं, एंड स्टिल एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी जेन्युइन। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम विद दुष्यंत सिंस सो मेनी इयर्स, ही इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन। ये मैडम भी ठीक है आपके साथ में। हाँ, ये तो स्वीटी वालिया जी की जो बेटियाँ हैं अपने आप में उन्होंने एक देखा जाए तो इतिहास कायम किया है टेलीविज़न इंडस्ट्री में। तारा सतारा भी उनका सीरियल ऑन एयर है, मेरी तो बेटी ही है रोशनी वालिया, तो जब इतनी छोटी थी तो गोदी में खिलाया हमने उसको, और हम लोगों के बड़े पारिवारिक ताल्लुकात रहे हैं। मैं भी क्योंकि रहने वाला आगरा का हूँ और स्वीटी इलाहाबाद में है की रहने वाली हैं, मेरे फादर लोग वहाँ पोस्टेड थे इलाहाबाद में, ही वॉज अ डिस्ट्रिक्ट सेंसेशन जस्ट देयर, और वहाँ पे ये वहाँ एक एकेडमी रन करते थे बहुत बड़ी डांस एकेडमी, तो वहीं हम लोगों की मुलाकात हुई दो तीन बार, कई फंक्शंस में मुलाकात हुई, और तब से ये रिश्ता आवाज चला रहा है। मेरे ख्याल से आज बहुत सब मैं प्लीज मत बताना मेरी एज, आई डोंट वांट टू रिवील, सिर्फ हमें 4-5 साल हुए हैं तो बहुत पुराने और हमारे फैमिली ताल्लुकात हैं, और हमेशा मैं जब भी याद करता हूं तो सब खड़े हो जाते हैं मेरे साथ, मैं इसके लिए बड़ा हृदय से बोला करो प्लीज कि स्वीटी को मैं बचपन से जानता हूं, अब जवान हो बचपन से जानता हूं, दैट इज बेटर। सबने सब कुछ बोल दिया, बस बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, बट सीरियस कुछ नया बोल दो आप, नई कविता नहीं जो सर ने बोला वो मेरे थॉट चल रहे थे दिमाग में, कि आप जब किसी को सम्मानित करते हो, लाइक जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं और उनका रिजल्ट आता है तो उनका एक परिणाम होता है कि नहीं मैंने इतना मेहनत किया तो ये मेरा फल है, तो ये बहुत बड़ी बात है जब जिन लोगों ने मेहनत किया है और उनको आप सम्मानित करते हो किसी चीज़ से, तो उनको जो खुशी और जो उनको अच्छा फील कराते हैं सर, तो बहुत बड़ी बात है, और इनकी वजह से हो पाता है। और भी लोग हैं जो अवार्ड वगैरह, तो उनके लिए भी मैं बहुत दिल से बोलना चाहूँगी कि ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को जिसने भी मेहनत किया है लाइफ में उसको उस चीज़ से सम्मानित होना चाहिए, कि आप उसका रिजल्ट मिलना चाहिए उसको। इसमें मैं एक चीज़ बस जोड़ूंगी कि इसमें आई थिंक योगेश के लिए वी मस्ट ऑल क्लैप, नहीं वो कर चुके हैं हम लोग एक और बार, मैं मिस कर दिया अभी जो आपने बोला कि लोगों को खुशी होती है, बट योगेश इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एवरीबॉडी, मतलब अपनी तरफ से कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, तभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत संभव हो पाता है। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ विजडम, इनको तो बिना बताए कुछ रख लो तो भी इनवाइट कर लो तो बोलेंगे अच्छा ब्राइट में रखा आ जाओ, इतने इतने सज्जन आते हैं, वेरी वेरी धन्यवाद। अब ये तो सरप्राइज हो सकता है, हम तो भाई अब
कविता की फिल्म रिलीज होने वाली स्टार बन जाएगी, उसके बाद जैसा मूड पे डिपेंड करता है भाई। देखिए मेरे तो स्टारों से ऐसे संबंध हैं, अब इनसे इनका मूड कैसा रहता है ये पता लगेगा अभी तो। इसलिए मुश्ताक भाई ने बोला ना कि नई कविता, अभी नई नई है, नई कविता अभी से कॉन्ट्रैक्ट करके रखो, तीन फिल्म, तीन फिल्मों का। हेलो, अभी मैंने बोला तुम बहुत शरीफ हो, ये कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए बोला, मेरे लिए नहीं। सर आप लेंगे सर? अच्छा, मैं दुष्यंत जी से एक साल से जानते हैं, बट ऐसा लगता है कि कई सदियों से जानते हैं। इनका नेचर इतना अच्छा है कि मतलब पता ही नहीं चलता कि टाइम का इनके साथ। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगी कि जैसे कि सर ने कहा कि सुमरी में इतना काम करते हैं और अचानक एक महीने के बाद आएंगे और मुझे लैपटॉप लेके घर पे कि प्रदीप भाई मैंने ये सब कर लिया, जो हम इतना टाइम लगा लेते घर का काम नहीं कर पाते, वो बाहर की फिल्म से इतने ईजीली वे में करते हैं और इतनी एनर्जी के साथ करते हैं। आई एम एनर्जी हीलर, बट मुझे कभी कभी लगता है कि इनसे एनर्जी लेनी चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत ही सरल वे में सेट पे भी मैं देखता हूँ कि इतना प्रेशर होने के बाद भी द वे ही कंडक्ट्स एवरीथिंग विच इज़ अमेजिंग। और मैंने काफ़ी काम किया इनके साथ, इनका एक टीवी शो में सोनोपात में था, तो एवरीथिंग ही डज विथ लॉयल्टी एंड हार्ड, मतलब हम घर वालों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कभी कभी। और ये 50 लोग ढूंढ के पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड से ढूंढ ढूंढ के लोगों को लेके आके अप्रिशिएट करते, बहुत बड़ी बात है। हम अपने घर वालों को कभी कभी अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। एंड ही हैज़ दैट लव फॉर एवरीवन दैट एवरीबॉडी शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक दिस अप्रिसिएशन। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल पर्सन इन माय लाइफ। थैंक यू। प्रदीप भाई अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मिक हीलर हैं और इनका साथ, इनकी दोस्ती बड़े सम्मान की बात है हम लोगों के लिए, और हम लोग बड़े दिल से जुड़े हुए हैं और कई काम हम लोग साथ करते हैं। तो मैं अगेन वेरी थैंकफुल टू प्रदीप भाई। हाँ सर, सर आपको दुष्यंत भाई के साथ मैं कुछ 5-6 सालों से हूँ और उनके हर अवार्ड फंक्शन का एक हिस्सा रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग ने सुना काफ़ी के बारे में, तो एनर्जी में तो नो डाउट सर का बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि उनसे एनर्जी लेना चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन हिम काफ़ी हज़ारों किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं इस अवार्ड के लिए। और इतने बड़े बड़े लोग जैसे आज योगेश भाई ने खुद अपनी प्रमाइसिस में ये हमें ऑनर किया है यहाँ पे आप लोगों को बुलाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि इनका ऑरा क्या है, क्योंकि योगेश भाई ऐसे इजीली अवेलेबल बंदे नहीं है और खुद उनके प्रमाइसिस में ये चीज़ हमें करने के लिए मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मुश्ताक भाई से मैं कुछ 9-10 सालों से जानता हूँ, इन्हें भी हम लोगों ने साथ में मूवी की है, पंकज भैया के साथ में इंटरव्यू कर चुके हैं वो मेरा, तो इतने बड़े बड़े लोग जब दुष्यंत भाई के लिए साथ में आते हैं तो मुझे तो एक बड़ा गर्व महसूस होता है जब दुष्यंत भाई मुझे इन सब लोगों के बीच में बिठा के। देखो ये बात ऐसा शख्स कह रहा है जो इतनी बड़ी फिल्म का हीरो रहा है, बी केयरफुल कितनी बड़ी फिल्म थी, तनीषा, मीन जैद इज डूइंग अमेजिंग वर्क, फिर इनका अभी तो प्रोड्यूसर साहब बन गए हैं, बट फिर भी दुष्यंत भाई के लिए और आप सब लोगों के लिए जैसे उनके लिए छोटा भाई हूँ, मुश्ताक भाई के लिए छोटा भाई हूँ, वैसा हमेशा रहूँगा। मेरे लिए नहीं हूँ छोटे भाई। देखिए मुझे जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे लगा था पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और वो एक कैसे हो गया मुझे खुद नहीं मालूम। जैद उसके गवाह हैं, पहले सीजन में साथ थे, पंकज भाई उसके गवाह हैं, हम लोग मिले थे कैलाश पर्वत में और पूरा एकदम मैं पसीने पसीने पूरा सारा, मुश्ताक भाई गवाह हैं, मैं घर पे गया इनके, मैंने कहा नहीं मुझे अभी आना है तुरंत, और तब इतनी इंडस्ट्री के लोग मेरे साथ खड़े हो गए थे और आप खुद गवाह हैं उस बात के, कुछ पत्रकार मित्र शायद नहीं थे, कि मैंने उस फिल्म में डर के मारे 100-150 लोगों को आमंत्रित कर दिया इंडस्ट्री के, और वो सारे ही लोग आ गए तो मेरे पास बैठाने के लिए जगह ही नहीं थी। अब ऐसे ऐसे लोग वहाँ से वापस चले गए थे बिना बैठे, जगह ही नहीं थी, जो बाद में मुझे लगा अब कैसे मैं अपोलोजाइज करूँ, नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका, मैं शुक्रिया और उन्होंने बुरा नहीं माना, दूसरे दिन मैं सबके घर गया, तो उसके बाद मैंने फिर ये गलती नहीं दोहराई, और तब से ये मुझे इतना इतना प्यारा, इतने दिल के करीब है मेरे अवार्ड फंक्शन, कि मैं जैसे ही समय आता है हम लोग तुरंत अनाउंस कर देते हैं और ये सारी चीज़ें बड़े आराम से हो जाती हैं। 14 फरवरी पता है वैलेंटाइन डे, देखिए वैलेंटाइन हमने इस्कॉन में रखा है बिहारी जी के चरणों में, बिहारी जी तो स्वयं प्रेम का प्रतीक है, और हम लोग शायद प्यार दिवस पे हम लोग शायद इतना प्रेम स्प्रेड करेंगे, हम ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे तो हमारा प्यार है उनके प्रति, प्यार दिवस पे प्यारी तो बांटना है, तो ये वैलेंटाइन डे पे यकीन मतलब ये ऑटोमेटिकली हो गया कि हमें बुकिंग उसी समय मिली इस्कॉन की, तो इट्स ऑन 14। मेरे लिए टफ हो गए, आसान हो गई,
कितना मुश्किल है लोगों को सेलेक्ट करना, चूज करना। उसमें मेरी सहायता पूरी पूरी ये करते हैं, मैं इनसे सवाल करता हूँ कि भाई थोड़ी डिटेल मुझे बताइए, थोड़ी डिटेल बताते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब चुनाव करना मुश्किल इसलिए हो जाता है, जैसा कि एक बड़ी खूबसूरत बात है सूटी जी ने भी कही थी कि अवार्ड में सचमुच से मतलब लगता है कि जेन्युइनली अवार्ड दिया जा रहा है। कई बार कई अवार्ड ऐसे होते हैं यार उसको भी दे दो उसको भी, ऐसा नहीं। यहाँ पे सच में टैलेंटेड लोगों को दिया जाता है, हर फील्ड से चुना जाता है, उनका चुनाव बहुत जेन्युइन है, बहुत सही है, टफ है लेकिन जेन्युइन है। देखिए पत्रकार भाई हमेशा होते हैं, हम तो पत्रकारों के बिना हमारा अवार्ड फंक्शन होता नहीं, हम बात कर रहे हैं सम्मानित करते हैं। और हमेशा मैं क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, साउथ छोड़ के मैं सभी जगह, तो मेरे सभी जगह बहुत एम्पल ऑफ रिलेशंस है। और मैं आपको दिल से बोलूँ पत्रकारों जितना ताकतवर कोई नहीं है, और पत्रकारों जितना देखा जाए तो मतलब एम्प्टी हैंड कोई नहीं है। इतनी मेहनत होती है दिन से लेकर रात तक, फिर हम तो साल में 4-5 इवेंट करते हैं, आप लोग एवरी डे इवेंट करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अखबार छापना इज़ नॉट ईजी, तो मैं हमेशा अपने अवार्ड में हर स्टेट्स के कई मैं कोशिश करता हूँ कि स्वनाम धन्य अच्छे पत्रकारों को हम बुलाएं, और हम बुलाते हैं इस बार भी सदैव की भांति जर्नलिस्ट लोगों को हम लोग डेफिनेटली वहाँ हम लोग अवार्ड मिलेगा। जी थैंक यू सो मच।